हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिमोवेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन है इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो प्रूव दैट अल्फा रेस्ट टू दावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू दावर एन इक्वल टू 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 दावर एन प्लस वन इन टू कॉस एन पाई वाई थ्री ये हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम सॉल्व करेंगे गिवन एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो जब इसे फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर टू का स्क्वायर मीन्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इंटू वन वाई टू इंटू वन ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू इंटू ए ठीक है ये फार्मूला पे मैं यहाँ पे पुट करी हूँ अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन बाई टू अब फोर माइनस सिक्सटीन तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस टूवेल्व बाई टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू प्लस माइनस टू रूट थ्री बाई टू और यहाँ से टू टू कॉमन लेंगे तो टू हमारा कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू तो आ जाएगा यहाँ पे और ये माइनस में है तो ये माइनस में रह रहेगी तो यहाँ पे आयोटा माइनस वन का मीन्स यहाँ पे माइनस थ्री है तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो, तो यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो टू कॉमन ले लेंगे, लेंगे प्लस वन प्लस माइनस आयोटा कॉमन लेंगे आयोटा स्क्वायर है तो रूट से ये बार आएगा आयोटा और यहाँ रूट थ्री बाई टू ये टू से टू कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री मीन्स की इमेजनरी और रियल पार्ट तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट सपोज लेट मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री है एंड बीटा इक्वल टू हम मान लेंगे वन माइनस आयोटा रूट थ्री क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हमारा ये दो रूट निकला ये अल्फा और बीटा ये रूट हो गया अब यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है मीन्स अल्फा रेस्ट टू द पावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर एन ये हमें प्रूफ करना है तो जब ये अल्फ़ा इक्वल टू हो गया ये बीटा इक्वल टू हो गया तो हम इसे पोलर फॉर्म में मीन्स cos टीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं तो इसे किस तरह से चेंज करेंगे जो यहाँ पे देखेंगे तो लेट तो या फिर पुटिंग वन इक्वल टू तो आर कॉस ठीठा ये रियल पार्ट के लिए आर कॉस थीटा हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एंड यहाँ पे रूट थ्री के लिए आर कॉस आर साइन यहाँ पे साइन हो जाएगा क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है आर साइन थीटा जब ये वाला टर्म आ गया अब इन दोनों टर्म को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इन साइन स्क्वायर थीटा, दिस टर्म इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीठा इक्वल टू वन प्लस थ्री तो यहाँ पे आर की इसकी वैल्यू वन होती है तो आर इक्वल टू ये हो जाएगी रूट अंडर फोर ठीक है तो जो हमारा ये रूट अंडर फोर है इसे हम टू लिख सकते हैं मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास आ गई टू ठीक है ये हमारा फोर है ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई इसमें भी हम सेम यही टर्म हम पुट करेंगे तो हमारे पास मीन्स ये सिर्फ निगेटिव है और हमारा ये जो टर्म है जो डिजिट है वो सेम है तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू यहाँ पे टू आ जाएगी ठीक है और अब हम यहाँ पे आर साइन थीटा आर सॉरी आर साइन थीटा आर कॉस्ट थीटा तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे मीन्स कि अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है तो डिवाइडिंग फर्स्ट वाई सेकेंड ठीक है या फिर सेकेंड वाई फर्स्ट सेकेंड वाई फर्स्ट होगी क्योंकि आर साइन थीटा हमें टेन थीटा के फॉर्म में लाना है तो आर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री वाई वन आर आर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई वाई थ्री तो अब ये वाला जो टर्म है हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा अल्फा इक्वल टू यहाँ पे दोनों में हमारा आर है तो आर कॉमन हो जाएगा तो हम यहाँ पे आर कॉमन ले लेते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई वाई थ्री प्लस आई ओटा इंटू साइन पाई वाई थ्री एंड बीटा इक्वल टू आर कॉस पाई बाय थ्री माइनस आयोटा साइन पाई बाय थ्री ठीक है आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो टू आई है यहाँ पे हो जाएगी कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री एंड बीटा इक्वल टू टू ब्रैकेट कॉस पाई बाय थ्री माइनस आयोटा साइन पाई बाय थ्री अब ये वाला टर्म आ गया तो हमें सम निकालना है इन दोनों रूट्स का और इस पर पावर एन होनी चाहिए तो देन या yeah, फिर नाउ अल्फा रेस्ट टू दी पावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू दी पावर एन इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास इस, इस पे भी पावर हो जाएंगे तो टू पे पावर एन हम लिख सकते हैं और ये दोनों में टू है तो ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई वाई थ्री प्लस आई ओटा इंटू साइन पाई वाई थ्री होल रेस्ट टू दावर एन प्लस कॉस पाए वाई थ्री माइनस pi ओटा इंटू साइन पाई वाई थ्री होल रेस्ट टू दावर एन अब यहाँ पे वाई डिमोवस थ्योरम से पावर जो हमारा मीन्स की ये पावर हमारा एंगल में हो जाता है तो टू रेस्ट टू दावर एन और यहाँ पे कॉस एन पाई वाई थ्री प्लस आई ओटा साइन इन पाई बाई थ्री और ये भी हमारा प्लस कॉस इन पाई बाई थ्री माइनस आई ओटा इंटू साइन इन पाई बाई थ्री ये टर्म आ जाएगा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमेजनरी वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टू रेस्ट टू दी पावर एन ब्रैकेट ये और ये टर्म ऐड हो जा रहे हैं तो कॉस टू कॉस एन पाई बाई थ्री अब ये वाला टर्म आ गया हमारे पास अल्फ़ा रेस्ट टू द पावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू तो पावर एन अब ये बेस हमारा सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन इन टू कॉस एन पाई वाई थ्री ठीक है तो हमें प्रूफ यही करनी थी आ, अल्फा रेस्ट टू द पावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू पावर एन इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन प्लस वन इन कॉस एन पाई वाई थ्री तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इस क्वेश्चन का हमारा ये प्रूफ हुआ तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड ठीक है हैंस प्रूफ तो ये हमारा आंसर हुआ तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड एवेल्यूट माइनस वन रेस्ट टू दावर वन वाई थ्री इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे माइनस वन रेस्ट टू दावर वन वाई सेवन ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस तरह का जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगी मीन्स कि अगर इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा एक्स रेस्ट टू दि बावर थ्री मीन्स एक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो ये टर्म होगा ये इक्वेशन होगा तो हमारा ये होगा मीन्स कि अगर एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन तो एक्स इक्वल टू माइनस वन रेस्ट टू द बावर वन बाई थ्री इस तरह से आएगा ये टर्म तो यहाँ पर इस टर्म को हम किस तरह से फाइन करेंगे सेंस माइनस वन जो ये टर्म है इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा इंटू साइन पाई की फौर्म के फॉर्म में मैंस हमें पोलर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में ठीक है तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है तो ये तो जीरो हो जाएगा और इसके इक्वल टू तो ये टर्म हो जाएगा अब यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म को कॉस टू एन पाई प्लस पाई मीन्स कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है मीन्स कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल में आ गया मीन्स हम cos टू एन पाई प्लस ठीटा इक्वल टू कॉस्ट होता है और ये हमारा सर्कुलर फॉर्म है तो इसलिए हम इसे इस तरह से चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है कितनी वैल्यू निकालनी है तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है तो यहाँ पे इसकी वन वाई थ्री तो जो जैसा कि डिमोवस दि, थ्योरम से फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास जो भी पावर रहते थे जो इस टर्म है और ये टर्म के ऊपर हमारा फ्रैक्शन रहता था तो ये जो क्यू टर्म जो भी हमारा क्यू जो भी हमारा ये वाला टर्म होगा उतना इसकी रूट्स निकलेंगे ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा इंटू साइन टू एन पाई प्लस पाई अब इस टर्म को यहाँ पे माइनस वन रेस्ट टू पावर वन वाई थ्री टर्म तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू एन पाई प्लस पाई प्लस आई ओटा इंटू साइन टू एन पाई प्लस पाई रेस्ट टू पावर वन वाई थ्री अब यहाँ पे वन वाई थ्री है और इसकी रूट फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू इतना हमें टर्म लेना है मीन्स कि यहाँ पे क्यूबिक है हमारा तो यहाँ पे थ्री रूट्स फाइंड होगी इसकी क्योंकि अगर इसके आगे हम इस यहाँ पर इनज टर्म है तो इसके आगे हम निकालेंगे तो ये हमारा रिपीट होगा ठीक है तो हम यूजिंग बाई डिमोवस थ्योरम से डी मॉवस थ्योरम देन यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन रेस्ट टू पावर वन बाई थ्री इक्वल टू ये हमारा पावर इसके एंगल में आ जाएगा कॉस टू एन पाई प्लस पाई वाई थ्री प्लस आई ओटा इंटू साइन टू एन पाई प्लस पाई वाई थ्री ठीक है अब यहाँ पे एन इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे तो Putting, n माइनस वन रेस्ट the power वन by थ्री equal टू cos pi by 3 क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो pi by थ्री आ जाएगी प्लस iota into साइन pi by थ्री तो एक टर्म तो ये आ गया इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू हो जाती है वन बाई टू प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू तो ये टर्म आ गया इसी तरह से पुटिंग वेन एन इक्वल टू वन वी गेट माइनस वन रेस्ट टू दी पावर वन बाई थ्री इक्वल टू यहाँ पे जब वन पुट करेंगे तो यहाँ पर टू पाई प्लस पाई तो थ्री पाई कॉस थ्री पाई बाई थ्री प्लस आयोटा इंटू साइन थ्री पाई बाई थ्री तो ये हमारा कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू माइनस वन होती है प्लस आयोटा इंटू जीरो माइनस वन आ जाएगी तो एक रूट हमारे पास ये आया इसी तरह से एन इक्वल टू हम इसी तरह से एन इक्वल टू फोटी एन इक्वल टू टू दैन फिकेट हमारे पास आ जाएगा वन रेज टू दावर वन वाई थ्री इक्वल टू कॉस टू एन पाई तो टू इंटू टू फोर और प्लस वन फाइव पाई वाई थ्री प्लस आयोटा इंटू साइन फाइव पाई वाई थ्री जब इसकी हम फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे मीन्स कि अगर हम इसे तो अगर हम इसे हम फैक्टर के रूप में मीन्स कि इस एंगल को ब्रेक करेंगे तो कॉस टू पाई टू पाई माइनस पाई बाई थ्री तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा इस तरह से माइनस वन रेस्ट टू पावर वन बाई थ्री इक्वल टू टू कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा इंटू साइन टू पाई माइनस पाई बाई थ्री तो फिर से ये मल्टीप्लाई होगी तो सिक्स सिक्स माइनस पाई इक्वल टू फाइव पाई वाई थ्री ठीक है तो यहाँ पे कॉस टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस पाई वाई थ्री और यहाँ पे कॉस साइन टू पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पाई वाई थ्री और कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू हाफ माइनस आयोटा इंटू साइन पाई वाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू तो ये इन इक्वल टू टू पुट किए तो हमारे पास ये टर्म आया तो मीन्स हैंस माइनस वन वाई थ्री इक्वल टू हमारे पास आ गई वन वाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री वाई टू एक प्लस में और एक माइनस में दो टर्म सेकेंड हमारे पास आई है माइनस वन हम इसे इस तरह से भी लिख सकते इसे अलग अलग भी लिख सकते तो ये हमारा आंसर हुआ तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द रूट्स ऑफ दी दी पावर फोर माइनस एक्स क्यू प्लस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू जीरो हमारे पास एक इक्वेशन है और इसकी रूट फाइंड करनी है तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे जो देखेंगे गिवेन एक्स रेस्ट टू दावर फोर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसे हमें फैक्टर फॉर्म में लानी होगी मीन्स कि इसकी हायर डिग्री फोर है अगर हम बोथ साइड एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करते तो कुछ हमारा टर्म कैंसिल होगा तो अगर हम बोथ साइड यहाँ पे करें मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई By x plus one v get then x plus one into x raised to the power four minus x cube plus x square minus x plus one equal to जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन इंटू जीरो तो ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा दिस इम्प्लाईज अब इससे हमें मल्टीप्लाई करना है मीन्स कि इसे फैक्टर के फॉर्म में एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर फाइव हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेस टू पावर फोर होगा दिस टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे ये यह टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है ये सभी टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है मीन्स हमारे पास एक्स रेस्ट टू तो दी पावर फाइव प्लस वन इक्वल टू जीरो ये टर्म बचा अब इसकी हमें रूट निकाली है मीन्स कि अब इसकी रूट फाइव रूट आएगी तो यहाँ पे दिस एम्प्लाइज एक्स रेस्ट टू दावर फो फाइव इक्वल टू माइनस इक वन तो लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू तो दी पावर फाइव को जब पावर इस तरफ आएगा तो माइनस वन का होल रेस्ट टू दी पावर वन बाई फाइव आ जाएगा अब इस टर्म को हम जैसे ये क्यूबिक वाला टर्म बना है इसी तरह से हमारा यहाँ पे फाइव रूट यहाँ पे फाइव रूट हमें वैल्यू निकलेंगे तो अगर हम इसे एक्स इक्वल टू माइनस वन रेस्ट टू तो पावर वन वाई फाइव को कॉस पाई प्लस आयोटा इंटू साइन पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं वन रेस्ट टू तो पावर फाइव अब इसे हम कॉस टू एन पाई प्लस पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस आयोटा इन टू साइन टू एन पाई प्लस पाई होल रेस्ट टू दावर वन वाई फाइव अब यहाँ पे हमें वेयर वेयर इन इक्वल टू हमें रूट कितने चाहिए फाइव रूट तो जीरो वन टू थ्री फोर ये टर्म हो जाएंगे इसमें हम पुट करेंगे उससे पहले हमें यूजिंग बाई डिमोविस थ्योरम को डिमोविस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और ये जो पावर है वो इसके एंगल में आ जाएगा तो यहाँ पे अप्लाई अप्लाईवर्स थ्योरम वी गेट तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू जो कि ये टर्म है तो कॉस और इस टर्म को हमने इतना इतने टर्म में सिम्पलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टू एन पाई प्लस पाई वाई फाइव प्लस आयोटा इंटू साइन टू एन पाई प्लस पाई वाई फाइव इस टर्म अब यहाँ पे हम फॉर फॉर एन इक्वल टू जीरो के लिए जब हम एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स नॉट हम इसे डिनोट कर देते हैं तो यहाँ पे कॉस पाई बाई फाइव आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई फाइव ठीक है अब इसी तरह से अगर फॉर फॉर एन इक्वल टू वन तो जब एन इक्वल टू वन हम put करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस टू पाई प्लस पाई थ्री पाई वाई फाइव प्लस आयोटा इंटू साइन थ्री पाई वाई फाइव फिर हम यहाँ पे फॉर एन इक्वल टू टू के लिए तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी टू इंटू टू फोर इसमें मल्टीप्लाई का टू इंटू टू फोर और प्लस फाइव तो यहाँ पे फाइव पाई बाई फाइव प्लस आई ओटा इंटू साइन फाइव पाई बाई फाइव ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है तो कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे कॉस पाई हो जाएगी प्लस आई ओटा इंटू साइन पाई इक्वल टू तो माइनस वन प्लस आई ओटा इंटू जीरो साइन पाई इक्वल टू तो जीरो होती है तो ये माइनस वन ये टर्म आ गया एक्स इक्वल टू तो फिर फॉर एन इक्वल टू थ्री जब एन इक्वल टू क्योंकि हमें फोर टाइम्स निकालने हैं फोर टर्म्स निकालने हैं तो यहाँ पे एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस यहाँ पे सिक्स और ये सेवन पाई सेवन पाई वाई फाइव ये टर्म आ गया प्लस आई ओटा इंटू साइन सेवन पाई वाई फाइव ठीक है और इस सेवन पाई वाई फाइव को हम थ्री पाई वाई फाइव के टर्म में इसे जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई माइनस थ्री पाई वाई फाइव हम लिख सकते हैं प्लस आईडा इंटू साइन टू पाई माइनस थ्री पाई वाई फाइव मीन्स अगर इसकी एल सी हम लेते हैं तो फाइव टेन टेन माइनस सेवन टेन माइनस थ्री इक्वल टू सेवन आ जाएगा अब यहाँ पे कॉस्ट टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो कॉस्ट थ्री पाई बाई फाइव हो जाएगा साइन टू पाई माइनस थीटा माइनस आई होटा इन टू साइन थ्री पाई बाई फाइव ये टर्म आ गया जब एन इक्वल टू तो थ्री लिए थे अब यहाँ पे फोर एन इक्वल टू तो फोर के लिए तो एक्स फोर यहाँ पे एक थ्री हो जाएगी यहाँ पे एक्स फोर इक्वल टू कॉस जब टू एन पाई है तो फोर इंटू टू एट तो नाइन हो जाएगा प्लस पाई तो नाइन पाई वाई फाइव प्लस आई ओटा इंटू साइन नाइन पाई बाई फाइव इसे भी हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं तो कॉस टू पाई माइनस पाई वाई फाइव प्लस आई ओटा इंटू साइन टू पाई माइनस पाई वाई फाइव

R हम एक्स यहाँ पे हमारा कॉस पाई वाई फाइव प्लस आईओटा इंटू साइन पाई वाई फाइव ये टर्म आया फिर हमारा फोर्थ फोर्थ भी हम हमारा यहाँ पे कॉस साइन टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा तो यह माइनस हो जाएगा ठीक है तो मीन्स की इमेजनरी पार्ट एक हमारा पेयर में ये टर्म आते हैं मीन्स अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव भी आएंगे तो एक टर्म तो ये हो गई और सेकेंड हमारे पास कॉस थ्री पाई वाई फाइव माइनस आई इंटू साइन थ्री पाई वाई फाइव ये भी ये माइनस में एक और टर्म हमारा प्लस में आया था और लास्ट टर्म मीनस हमारा थर्ड टर्म माइ माइनस वन आया था मींस की माइनस वन है तो एक टर्म माइनस वन आया क्योंकि ये हमारा एक्स दी पावर फाइव थी तो इसलिए ये फाइव रूट्स आए तो ये सभी हमारे आंसर हुए तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो मैं इसकी कुछ और होमवर्क के लिए आपको दे देती हूँ आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ असाइनमेंट देती हूँ मीन्स की क्वेश्चन यहाँ बनाने के लिए वन क्वेश्चन है मीन्स कि इसे सॉल्व करना है वन रेस्ट टू द पावर वन बाई सेवन सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है वन प्लस आयोटा रेस्ट टू दावर वन बाई सेवन इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो सभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर फोर आयोटा माइनस फोर रूट थ्री होल रेस्टू पावर वन वाई फाइव तो ये थ्री क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो